वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल यानी कि मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री याद करने की धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूं। एक बार वीडियो देखने के बाद आप इन मंत्रिमंडल को कभी भूल नहीं पाओगे। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा इस ट्रिक की माध्यम से दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ऐसी ट्रिक से दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा 2022 के मंत्रिमंडल, राज्यपाल है मध्य प्रदेश के श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल तो सभी को पता है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एमपी के 23वें नंबर के राज्यपाल कौन हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसके बाद अगला अध्यक्ष है विधानसभा मध्य प्रदेश श्री गिरीश गौतम। इसके बाद दोस्तों अगला आता है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यानी कि विपक्ष के नेता कौन है, श्री कमलनाथ। दोस्तों आप कमलनाथ को देख रहे हो या फोन पर बात कर रहे हैं, नेता है प्रतिपक्ष के, पहले मुख्यमंत्री बने थे फिर उसके बाद इनकी सत्ता चली गई तो इन्होंने कहा हम नेता ही बन जाते हैं विपक्ष के, शिवराज सरकार पर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों ये ट्रिक हो सकती है, आप याद कर सकते हैं विपक्ष के नेता कमलनाथ। इसके बाद अगला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों लेकिन आपसे एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, आपसे पूछा जाएगा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है। 19वें नंबर के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। और कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है अभी वर्तमान में, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं जेल मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा। दोस्तों इसकी ट्रिक है नरों में उत्तम, जो नरों में उत्तम होते हैं नरोत्तम, वे गृह में रहते हैं, मकानों में रहते हैं और कभी जेल नहीं जाते हैं। दोस्तों इससे आप पकड़ सकते हो नरों में उत्तम जो व्यक्ति होता है गृह में रहता है ना ही जेल जाता है। इस प्रकार दोस्तों ट्रिक हो सकती है, आप पकड़ सकते हो, ये फनी ज़रूर है लेकिन मेरा मकसद एक ही है आपको याद कराना। इसके बाद अगला विभाग किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, श्री कमल पटेल। इसकी ट्रिक है दोस्तों किसान, यहाँ पर किसान आ रहा है, किसान होते हैं जो खेती करते हैं यानी कि कृषि करते हैं, तो उनको कीचड़ में अपने पैरों को गपाना पड़ता है यानी कि कीचड़ में काम करना पड़ता है किसानों को, और कमल है जो कीचड़ से ही निकलता है। दोस्तों आप इसको पकड़ सकते हो, जो कमल होता है वह कीचड़ से निकलता है और किसान को भी कीचड़ में गपना पड़ता है। दोस्तों यह ट्रिक है, यह ट्रिक फनी ज़रूर है लेकिन मेरा मकसद आपके मन मस्तिष्क में इन मंत्रियों को छापना है, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद अगला आता है जल संसाधन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट। इसकी ट्रिक है जल संसाधन मंत्री यानी कि जल की बात की गई है, अगर आप तुलसी के पौधे में जल नहीं दोगे तो वह सूख जाएगा, यानी कि जल संसाधन, तुलसी के पौधे को जल की आवश्यकता होती है और अगर जल ही नहीं होगा तो मछुआरों का कल्याण कैसे होगा ना ही मत्स्य पालन होगा। इस प्रकार दोस्तों आप इसको पकड़ सकते हैं, तुलसी का पौधा जल, जल संसाधन, जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला
राजस्व विभाग परिवहन विभाग मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत। इसकी दोस्तों ट्रिक है राजपूत, राजपूत से याद करेंगे राजदूत, जो राजदूत नाम की बाइक हुआ करती थी उसका उपयोग हम करते थे राजस्व विभाग के परिवहन में। इस प्रकार राजदूत से याद करेंगे राजस्व विभाग का परिवहन। दोस्तों यह ट्रिक है, यह ट्रिक फनी जरूर है लेकिन मकसद एक ही है, आपके मन मस्तिष्क में इन मंत्रिमंडल को बैठा देना, कभी आपको भूलेंगे नहीं इस ट्रिक से आप अगर याद करते हैं। इसके बाद अगला पूछा गया था वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा। इसकी ट्रिक है दोस्तों ओम जय जगदीश हरे। जगदीश होते हैं जो विष्णु भगवान को कहा जाता है और विष्णु भगवान की पत्नी का नाम होता है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता हमें क्या देती हैं, हमें धन देती है, धन यानी कि वित्त। हमारा वाणिज्य कर योजना आर्थिक सांख्यिकी में वृद्धि करती है यानी कि धन में वृद्धि करती है। इस प्रकार हम इसको पकड़ सकते हैं जगदीश यानी कि विष्णु भगवान, विष्णु भगवान की पत्नी का नाम लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी हमें धन देती हैं, इस प्रकार हम इसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप कभी भूल नहीं पाओगे। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और इन मंत्रिमंडल को याद कर लें, आपको कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद अगला लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामों उद्योग श्री गोपाल भार्गव। इसकी ट्रिक होती है दोस्तों गोपाल, गोपाल होते हैं जो गांव में रहते हैं। गोपाल का क्या काम होता है, गाय को पालना, गाय को पालेंगे गोपाल लोग। कहां पर रहेंगे, कुटीर यानी कि कुटिया में रहेंगे, किसी मकान में तो रहेंगे नहीं, और ग्रामों में रहते हैं गोपाल लोग जो गाय को पालते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप पकड़ सकते हैं गोपाल लोग होते हैं जो गाय को पालते हैं और ग्राम में रहते हैं, किसी आलीशाही मकान में नहीं रहते हैं वे। ये दोस्तों ट्रिक है, देख सकते हो दोस्तों ये गोपाल भार्गव है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इनकी फोटो भी लगा दी है जिससे आपके मन मस्तिष्क में यह मंत्री बैठ जाएं, आप इनको चेहरा से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला पूछा गया था खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। इसकी दोस्तों ट्रिक हो सकती है यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा से याद करेंगे दोस्तों कृष्ण की माता, कृष्ण की माता का क्या नाम था यशोदा, और कृष्ण की माता सोचती है अपने कृष्ण के लिए और खेल कूद में आगे रहे, उसका कल्याण हो, तकनीकी शिक्षा का विकास हो और उसको रोजगार मिले। प्रत्येक माँ यही सोचती है ना अपने बेटे के लिए। इस प्रकार दोस्तों आप पकड़ सकते हो यशोदा माता से कि प्रत्येक माता अपने बेटे के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह तकनीकी शिक्षा का उसमें विकास हो, खेल कूद का विकास हो और उसे रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार दोस्तों आप इसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद अगला विभाग खनिज एवं श्रम मंत्री श्री बिजेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों इसकी ट्रिक है प्रताप, प्रताप यानी कि ताप, ताप शब्द आया है यहाँ पर। जो खनिज होते हैं हमें ज़मीन से मिलते हैं, जैसे ही हमें ज़मीन से खनिज मिलते हैं तो हम उनका तुरंत उपयोग तो करते नहीं, पहले उनको ताप, ताप यानी कि तपाया जाता है खनिज को, फिर उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार आप दोस्तों इसको पकड़ सकते हैं, ताप जो खनिज होते हैं उनको तपाया जाता है पहले, फिर उनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह ट्रिक फनी ज़रूर है लेकिन मकसद तो एक ही है, आपको याद कराना। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा है। इसके बाद अगला आता है नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय
श्री भूपेंद्र सिंह। इसको दोस्तों याद करेंगे भू, भू यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी पर ही तो नगर बसते हैं, नगरों में ही तो लोग आवास करते हैं यानी कि रहते हैं। दोस्तों यह ट्रिक है, भू यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी पर ही नगर बसते हैं, नगरों में ही तो व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार आप इसको पकड़ सकते हैं, भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय के मंत्री है। इसके बाद अगला, चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास सारंग। इसकी ट्रिक है दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसको ध्यान में रखते हुए श्री विश्वास सारंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बोले कि मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके तो देखो, भविष्य में कभी भी भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना तथा चिकित्सा शिक्षा यानी कि कोरोना जैसी महामारी नहीं आएगी, केवल एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो। तो शिवराज सिंह बोले चलो हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तुम्हें मंत्री बनाते हैं चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी के। इस प्रकार दोस्तों आप पकड़ सकते हो विश्वास सारंग को, यानी कि शिवराज सिंह ने विश्वास किया उनके ऊपर। इसके बाद अगला पूछा गया था, पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल। इसकी ट्रिक है, प्रेम सिंह पटेल प्रेम शब्द यहाँ पर आया है, नाम में ही इनकी ट्रिक छिपी है। प्रेम यानी कि पशुपालन, हमें पशुओं के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए और समाज के प्रति भी हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए, और जो निःशक्त जन होते हैं उनके प्रति भी हमें आदर की भावना तथा प्रेम की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों इसके नाम में ही ट्रिक छिपी है, प्रेम यानी कि पशुओं के प्रति हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार आप इसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद अगला, ऊर्जा विभाग मंत्री यानी कि ऊर्जा विभाग मंत्री वर्तमान में कौन है, प्रद्युम्न सिंह तोमर मर, यह तो मर शब्द आया है दोस्तों, आप इससे पकड़ सकते हो। जो व्यक्ति मर जाते हैं उनमें ऊर्जा का संचार नहीं होता है, जिंदा लोगों में ही ऊर्जा का संचार होता है। एक इसकी दूसरी ट्रिक भी है दोस्तों, जो प्रद्युम्न सिंह लोधी थे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा तो वह कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे, उन्हें झटका लगा ऊर्जा का तो वह बीजेपी में शामिल हो गए। या दोस्तों आप इस प्रकार भी पकड़ सकते हो, यहाँ मर शब्द आ रहा है, मरे व्यक्तियों में ऊर्जा का संचार नहीं होता है। यह ट्रिक है दोस्तों, यह ट्रिक फनी जरूर है लेकिन आपको एक ही बार में सारे मंत्री मंडल याद हो जाएंगे, और बाद में मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा तो देख लेना आपको कितने याद हुए हैं। इसके बाद अगला, उच्च शिक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसकी ट्रिक है दोस्तों, मोहन यादव की ट्रिक, मोहन जो मन को मोहित करने वाले बच्चे होते हैं उनमें उच्च शिक्षा का विकास होता है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको पकड़ सकते हो, मनमोहन, मन को मोहित करने वाली शिक्षा। इसके बाद अगला, पर्यटन मंत्री सुशी उषा ठाकुर है वर्तमान में। पर्यटन, जिनके पर लगे होते हैं वही तो आसमान में उड़ते हैं, उषा जी को पकड़कर आसमान में उड़ा दो, उषा के भी क्योंकि पर लगे हुए हैं इसलिए है पर्यटन मंत्री है। दोस्तों मेरा मकसद किसी भी मंत्री की बेइज्जती करना नहीं है, क्या करें आपको याद भी तो कराना है। तो अगर यह मंत्री जी वीडियो देख रहे हैं तो बुरा मत माने, बच्चों के लिए ऐसी ट्रिक बनानी पड़ती है।
चलिए दोस्तों अगला आता है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग। इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, आप याद कर सकते हैं आसान ट्रिक के साथ। हरदीप सिंह डंग, दीप, जहां पर दीप जलते हैं वहां पर नवीन ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा का विकास होता है। दीप, जहां पर दीप जलते हैं वहां पर नवीन ऊर्जा का विकास होता है। इस प्रकार आप इसे पकड़ सकते हो दोस्तों। आप हरदीप सिंह डंग की फोटो भी देख सकते हो। इसके बाद अगला पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। इसकी ट्रिक होगी महेंद्र सिंह सिसोदिया की। पंचायत में जो सरपंच होते हैं वह सीधे तौर पर ग्रामों का विकास नहीं करते हैं, तो ग्राम का विकास भी तो जरूरी है, तो वहाँ के लोग बोले चलो हम सभी लोग सीधे 100-100 रुपये जमा करते हैं सभी लोग और नल की व्यवस्था कर लेते हैं, पानी की व्यवस्था कर लेते हैं सीधे तौर पर 100-100 रुपये सीधे लो एक जनों से 100-100 रुपये। बाद में सरपंच के ऊपर केस करके अपना रुपया ले लेंगे, केस करके सीधे 100-100 रुपया जमा करो। इस प्रकार आप इसको ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हो, सीधे 100-100 रुपया जमा करो। लोग कहते हैं तो हम अपना विकास कर लेंगे, फिर बाद में सरपंच जी से ले लेंगे अपना रुपया। यह ट्रिक हो सकती है दोस्तों। इसके बाद अगला सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश। इसकी ट्रिक होगी दोस्तों ओम, ओम नमः शिवाय, यानी कि शिव शंकर। शिव शंकर की जो भी तपस्या करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं वे शिव शंकर सूक्ष्म रूप एवं लघु एवं मध्यम रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इसको पकड़ सकते हो, ओम यानी कि सूक्ष्म रूप भगवान शिव का। चलिए दोस्तों अब हम आपको रिवीजन करवाते हैं कि आपको कितने मंत्री आपके मन मस्तिष्क में छप चुके हैं। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको सारे मंत्रिमंडल याद हो गए होंगे। यह ट्रिक फनी जरूर है लेकिन आपको याद हो चुके होंगे। एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है, आप इसका आंसर बता सकते हो। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री, परिवहन हम काय से करते हैं, राजपूत यानी कि राजदूत, याद करवाया था, राजदूत से ही हम अपना परिवहन करते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, गोविंद सिंह राजपूत। इसके बाद अगला आता है जो पूछा गया था एग्जाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों, हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। पर्यटन मंत्री जिसके पर लगे होते हैं वही तो आसमान में उड़ते हैं। ऊषा जी को पकड़कर आसमान में उड़ा दो, ऊषा ठाकुर पर्यटन मंत्री है वर्तमान में। इसके बाद अगला पूछा गया था एग्जाम में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, किसी से याद करना था दोस्तों किसानों को, किसान होते हैं जो कीचड़ में गपे होते हैं यानी कि उनको कीचड़ में काम करना पड़ता है। और कमल भी कहाँ से उगता है, कमल भी तो कीचड़ से ही निकलता है, इस प्रकार इसका ए ऑप्शन ही सही होगा, कमल पटेल। देखा दोस्तों आपको सभी याद हो गए हैं, पेपर में आप एक भी ऑब्जेक्ट गलत नहीं करोगे, आपने अगर यह वीडियो पूरा देख लिया एक या दो बार। इसके बाद अगला पूछा गया था मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है। जल संसाधन दोस्तों हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, तुलसी का जो पौधा होता है उसको जल की आवश्यकता होती है, आप उसमें जल नहीं डालोगे तो वह सूख जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, तुलसी राम सिलावट। दोस्तों देखा आपसे सारे ऑप्शन सही हुए, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा है।
दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।